आपने फिल्मों या टीवी सीरियल्स में कोमा पेशेंट को हॉस्पिटल बेड पे पड़े हुए देखा ही होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कोमा में जाने वाला व्यक्ति सब कुछ सुन सकता है, समझ सकता है, बस जवाब नहीं दे सकता या हिलडुल नहीं सकता। पर ये सच नहीं है। और बजाय एक दो बार टीवी पे देखने के, हम कोमा पेशेंट के बारे में जानते क्या हैं? तो आइए देखते हैं कि कोमा में जाने के बाद क्या होता है। कोमा दिमाग में चोट, खून की कमी, दिमाग के किसी हिस्से में ऑक्सीजन की कमी, डायबिटीज, शराब या ड्रग्स के अधिक सेवन या किसी और बीमारी से भी हो सकता है। हर कोमा अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा गहरा तो कोई कम। जैसे नॉर्मली कोमा पेशेंट्स खुद से सांस ले पाते हैं, लेकिन कई कोमा पेशेंट ऐसा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, यानी कि उनके लंग्स में बाहर से हवा दी जाती है। क्योंकि कोमा पेशेंट्स खुद से कुछ खा भी नहीं सकते, उनको जरूरी न्यूट्रिएंट्स इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। कोमा शब्द एक ग्रीक शब्द कोमा से आया है, जिसका मतलब है गहरी नींद। और हाँ, अगर आप किसी कोमा पेशेंट को बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कोई सो रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी नहीं हिल रही होगी, आंखें बंद होगी, शक्ल पे एक शांत सा एक्सप्रेशन होगा, सांसें धीरे धीरे चल रही होंगी। पर भले ही एक कोमा पेशेंट और सोता हुआ आदमी बाहर से एक जैसे लगे, अंदर से दोनों काफी अलग होते हैं। एक आम सोते हुए आदमी से विपरीत, कोमा पेशेंट अपने आसपास की चीजों, लोगों और आवाजों को लेकर कॉन्शियस यानी जागरूक नहीं रहता। मेडिकल साइंस के मुताबिक कॉन्शियस आदमी दो चीजें कर सकता है। पहला, अपने आसपास की चीजों को देख पाना, जैसे हम आंखें खोलकर देखते हैं। दूसरा, अपने आसपास होने वाली चीज़ों की तरफ प्रतिक्रिया दिखाना, जैसे किसी के कहने पर हाथ उठाना, दबाना या दर्द में चिल्लाना वगैरह वगैरह। कोमा पेशेंट ये दोनों ही चीज़ें नहीं कर पाता। और अगर आप किसी कोमा पेशेंट को दबाकर या हिलाकर उठाने या दर्द पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा। एक मरे हुए आदमी की तरह दिखने वाले कोमा पेशेंट के दिल की धड़कन और सांसें तो चल ही रही होती हैं, पर ब्रेन स्कैन में उनके दिमाग में भी हलचल होते हुए देखी जाती है। तो एक कोमा पेशेंट का दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि कम और थोड़ा अलग तरीके से चल रहा होता है। रिसर्च के मुताबिक जब भी आप सो रहे होते हैं, चाहे आपको पता चले ना चले, याद रहे ना रहे, आपके आसपास जो भी हो रहा होता है, आपके कानों में जो आवाज़ें जाती हैं, सब आपके दिमाग में प्रोसेस होती हैं। पर एक कोमा पेशेंट के कानों से आवाज़ अंदर चली तो जाती है, पर वो आवाज़ दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचती नहीं जहां उसे समझा जा सके, और कोमा पेशेंट उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता। एक कोमा पेशेंट का दिमाग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कनेक्शंस नहीं बना पाता और इसीलिए अपना काम भी नहीं कर पाता। तो ये बात कि कोमा पेशेंट सबको सुन सकता है, समझ सकता है, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, सही नहीं है। वो बीमारी जिसमें ऐसा होता है उसे लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें पेशेंट का दिमाग तो चल रहा होता है, वो सब समझ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, पर शरीर पैरालाइज हो जाता है। ये बात कि कोमा पेशेंट सपने देखता है या नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। वैज्ञानिकों को ईईजी मशीन के द्वारा ये पता चला है कि कोमा पेशेंट्स आरईएम स्टेज में नहीं जाते। अरे आरईएम स्टेज, जिसके बारे में हमने सपने क्यों आते हैं वाली वीडियो में बात की थी। आरईएम, जिसे रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं, इस स्टेज में हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज यानी हलचल देखी जाती है, और इसी स्टेज में हमारी आंखें जोर जोर से दाएं बाएं घूमती हैं। और इसी स्टेज में देखा गया है कि लोगों को सबसे ज्यादा असली लगने वाले और क्लियर सपने आते हैं। तो कोमा पेशेंट में ये आरईएम स्टेज नहीं देखी जाती, और देखा जाता है कि कोमा पेशेंट्स का दिमाग बहुत कम एनर्जी खर्च करता है। इसी हिसाब से ये माना जाता है कि कोमा पेशेंट सपने नहीं देखते। पर कुछ कोमा पेशेंट्स ने कोमा से बाहर आने के बाद ये बताया है कि उन्हें सपने आया करते थे, किसी को बुरे डरावने तो किसी को दूसरी दुनिया के भी। ये पक्का कर पाना कि कोमा पेशेंट सपने देखता है या नहीं, या किस तरह के सपने देखता है, मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर कोमा पेशेंट्स को अपने कोमा से बाहर आने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता। ज़्यादातर मरीजों में कोमा कुछ दिनों या हफ्तों तक ही चलता है, पर कभी कभार ये कई सालों तक भी चल सकता है। कई मतलब 40-50 साल तक भी। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी गहरी चोट लगी थी और उसका कोमा कितना गहरा था।
कई बार ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले कोमा में ब्रेन डेथ यानी दिमाग के ख़त्म हो जाने की वजह से कोमा पेशेंट मर भी सकता है। कोमा पेशेंट को ठीक करने का अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अभी तक हम इस बीमारी को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं बहुत सी और चीज़ों की तरह। लेकिन बहुत सी और चीज़ों की तरह नई नई टेक्नोलॉजीज़ और रिसर्च की वजह से हम जल्द ही इस पहेली को भी सुलझा लेंगे। और क्या पता इस पहेली को सुलझाते सुलझाते हमें अपने दिमाग और अपने बारे में कई नए राज पता चल जाएं। तो आपने कभी किसी कोमा पेशेंट को देखा है या आप किसी कोमा पेशेंट को जानते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में उनके बारे में कोई भी इंटरेस्टिंग या मज़ेदार बात ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है येलो बटन पे क्लिक करके, जो कि एकदम फ्री है। और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी है हर हफ्ते, जो कि मैं बनाऊंगी। बाय।